माइनक्राफ्ट खेलते खेलते हम लोग बुड्ढे हो चुके हैं, लेकिन आज तक बहुत सारी चीजें माइनक्राफ्ट में जो कि हमें पता ही नहीं है। भाई क्या ही होगा यार, लेकिन डोंट वरी, आज की इस माइनक्राफ्ट की वीडियो में मैं आपको ऐसी 11 थिंग्स बताऊंगा जो कि आपको शायद ही पता होगी। लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर को आपने यार जरूर देखा होगा, बहुत बंदे इसमें जाके मस्त लूट मचाते हैं और कुछ नोबड़े लोग तो आज तक पूरा सीन खराब कर देते हैं यार। और अभी 1.20 अपडेट में यहाँ पे आपको और ज्यादा लूट मिलने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे आपको एकदम सीक्रेट रूम मिलेगा जिसके अंदर ऐसी अजीब सी दिखने वाली सैंड होगी। देखो ये नॉर्मल वाली सैंड है और ये थोड़ी अलग दिखने वाली, एंड इस पे जाके आपको मस्त ऐसे ब्रश रगड़ना है। ऐसे जाके तोड़ोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, आराम से ब्रश रगड़ोगे तो इस पे आपको डायमंड मिल सकता है और तगड़े वाले इवन एमराल्ड्स भी मिल सकते हैं भाइयों। और इसको हम सस्पिशियस सैंड कहते हैं जो कि जल्दी माइनक्राफ्ट के अपडेट में आने वाली है, मजा ही आ जाएगा एकदम। तो क्या आपके पास बहुत सारे डायमंड्स है एंड आपको चिंता लगी रहती है भाई उसको कोई चुरा ना ले, डोंट वरी, मैं हूं ना, सबसे इजी और सेफेस्ट बेस बनाना सिखाऊंगा मैं आज तुम्हें। इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक नेदर पोर्टल। तो देखो माइनक्राफ्ट के अंदर पोर्टल थोड़ा अजीब वर्क करते हैं, जैसे अगर आप पोर्टल के अंदर यहाँ खड़े होगे तो एकदम अलग जगह पहुंचोगे नेदर में, एंड अगर आप ऊपर की तरफ से जाओगे तो बिल्कुल ही अलग जगह में, और इस जगह में आप मस्त सीक्रेट बेस बना सकते हो एंड इसको आपके अलावा कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यार सारे पोर्टल के ऐसे नीचे से जाते हैं और उनको सामने सिर्फ यार नेदर ही दिखेगा। लेकिन अगर आपको जाना है तो आप ऊपर से चले जाना और आप अपने सीक्रेट बेस में पहुंच जाओगे। वार्डन्स वैसे तो यार काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन आप इन वार्डन से एक बहुत ज्यादा मस्त चीज कर सकते हो। तो देखो वार्डन जब भी हमारे ऊपर गुस्सा करता है तो ऐसी बीम छोड़ता है जो कि हमारी सारी हेल्थ खा जाता है, और अगर आपने 2-3 वार्डन ऐसे छोड़ दिए और उन्होंने बीम छोड़ी तो यार काफी ज्यादा ही मस्त दिखती है। लेकिन अगर आप थोड़े से प्रो हो और आपने 10-12 वार्डन स्पॉन कर दिए और आप ऊपर कहीं जाके बैठ गए और वहां से आपने इनको तंग करना शुरू कर दिया, तो सारे वार्डन यार मिलकर एकदम ऐसी बीम छोड़ेंगे जो कि भाई दिखने में तो काफी ज्यादा ही मस्त लगती है। ऐसा लगता कोई बड़ी सी लेजर चला दी हो किसी ने, लेकिन ये वाली बीम आपकी एकदम हवा टाइट कर देगी। माइनक्राफ्ट के सीड्स कभी कभी बहुत ज्यादा वियर्ड हो सकते हैं। अरे नहीं, ये वाली सीड्स की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत अजीब अजीब सीड्स होता है माइनक्राफ्ट में। एंड एक तो ये सामने ही देख लो यार इसका क्या हाल रखा है। यहाँ पर एक पूरा बड़ा सा मेंशन है जो कि हद से ज्यादा ही लंबा है, और इन बेचारे पिलेजर्स के लिए मेंशन की छत ही गायब है। ऊपर से देखो कुछ ऐसा नजारा दिखता है, हर जगह बादल घुस रखे इनके कमरों के अंदर, चिड़िया भी यहाँ पे आधी कट चुकी है, और जब भी बारिश आती होगी ये पिलेजर्स आराम से भीग भी जाते होंगे यहाँ पे। और मेरा एक तगड़ा सा सवाल भी है यहाँ पे कि ये लोग रेड कैसे करने जाते होंगे, क्योंकि अगर यहाँ से कोई कूदेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा वो तो। माइनक्राफ्ट की बीज यार होती तो काफी ज्यादा प्यारी है, हमें ये मस्त मीठा हनी भी देती है, लेकिन एक दिक्कत है इनको यार गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, और ये फिर आपकी जो बैंड बजाती है ना भाई मजा आ जाता है। अगर आप सही टाइम पे सही जगह से नहीं निकले ना तो ये आपको जहरीले स्टिंग से मार देगी। वैसे अगर माइनक्राफ्ट की बी को ध्यान से देखे तो हमें कोई स्टिंग दिखेगा ही नहीं, फिर भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और अगर आप इनविजिबिलिटी का पोशन यूज करोगे ना अपने ऊपर तो आपको सारे स्टिंग्स दिख जाएंगे कि कितने पड़े हैं आपको, बेचारे प्लेयर का एकदम बुरा हाल कर देती है, बस दिखने में प्यारी है। माइनक्राफ्ट के अंदर हजारों रंग बिरंगी ब्लॉक्स होते हैं और कुछ ब्लॉक्स काफी ज्यादा अलग से दिखते हैं। जी हाँ, अगर इन ब्लॉक्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ये सैंडस्टोन, इसमें साफ साफ क्रीपर का फेस बना हुआ है, या फिर नेदर फोर्ट्रेस में जब भी जाते हैं हम ये वाला ब्लॉक तो मिल ही जाता हमें, और इसमें पूरा एक स्केलेटन का फेस बना हुआ है, या फिर डीप स्लेट वाला ये वाला ब्लॉक ले लो, इसमें भी वार्डन की शक्ल बनी हुई है, और इस वाले बायोम में तो आप जरूर गए होंगे, यहाँ पे जो रेड सैंड मिलती है उस पे तो भाई पूरा विदर ही बना हुआ है। और इस वाले ब्लॉक को जरा ध्यान से देखो, ये स्टोन से बना हुआ है, इस पे पता नहीं कौन सा मॉब बना हुआ है, अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। डॉल्फिन आपको बहुत ज्यादा अमीर बना सकती है, जी हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो डॉल्फिन माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा प्यारी चीज होती है, जब भी हम पानी के अंदर जाते हैं हमारे आगे पीछे घूमती है और हमें स्पीड भी दे देती है, लेकिन हम उसको क्या देते हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी पानी में जाओ और आपको आसपास डॉल्फिन दिखे तो आसपास से कुछ फिश मार दो और उसको खिला दो, एंड अब इसको यार बिल्कुल ध्यान से देखना कहाँ जा रही है, इसका पीछा करते रहो और ये आपको एक शिप के पास ले जाएगी जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा खजाना। तो बना दिया ना भाई डॉल्फिन ने आपको बहुत ज्यादा अमीर। वेल पेड़ लगाना यार काफी ज्यादा अच्छी बात होती है, इससे काफी ज्यादा हरियाली बढ़ जाती है और एकदम मजा आ जाता है। लेकिन माइनक्राफ्ट में पेड़ ऐसे उल्टे पुल्टे भी उग जाते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब लगते हैं, खासकर अगर ये आपके घर के साइड में उग जाए तो भाई बिल्कुल ही बेकार लगेंगे। इसलिए आप जब भी पेड़ उगाने जाओ ना तो साइड में ऐसा पिलर खड़ा कर दो तो सारे पेड़ यहाँ पे लंबे वाले उगेंगे चाहे कुछ भी कर लो। या फिर अगर आपको छोटे हाइट के पेड़ ज्यादा पसंद है तो सिंपल ऊपर जाके ऐसे ब्लॉक्स लगा दो, अब चाहे आप बोन ग्रिल कितना ही मार लो पेड़ आपको छोटे ही उगेंगे, और इस तरीके से आप अपने घर के साइड में एकदम परफेक्ट पेड़ लगा सकते हो और हरियाली के मजे ले सकते हो। और हाँ गाइस, मेरे और मेरे नूबड़े फ्रेंड के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ी शर्त लगी है कि इस साल खत्म होने से पहले पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर कौन हिट कर लेगा, तो यार जाके फटाफट से सब्सक्राइब करो, हमें जीतना है। माइनक्राफ्ट में हॉर्स पर तो आप जरूर बैठे होंगे, या फिर किसी को पिक की सवारी करने में बड़ा ही मजा आता है, पता नहीं कौन लोग होते हैं यार, या फिर नए वाले कैमल पे सवारी करने में तो अलग
अलग ही मजा है। लेकिन ये कैसे रहेगा, या फिर काउ की सवारी हो जाए? जी हाँ, ये सब पॉसिबल है इस कमांड से, जिससे आप किसी भी मॉब की सवारी कर सकते हो, चाहे वो कोई विलेजर हो, ओ भाई इसमें तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, या फिर कोई छोटा सा मॉब जैसे चिकन हो जाए, सब पे आप सवारी कर सकते हो। एंड इवन अगर आप लोग चाहो तो एंड ड्रैगन तक की सवारी कर सकते हो बैठकर। माइनक्राफ्ट के अंदर किसी का घर बिल्कुल छोटू सा होता है, बेकार सा होता है, और वहीं दूसरी तरफ देखे तो किसी का घर बड़ा और तगड़ा सा होता है। लेकिन हम एकदम प्रो वाले लोग हैं, हम ऐसा घर थोड़ी ना बनाएंगे। स्वागत है आपका एकदम जादुई कमरे में। ये एकदम इन्फिनिटी वाला रूम है, दूर दूर तक एकदम सफेद और एकदम साफ दिखता है इसमें। यहाँ बैठकर मेरा एकदम दिमाग खुल जाता है यार, और इसको बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी बना देगा। सी लैंटर्न रख देना हर तरफ आपको, और ऊपर से फ्रेम में व्हाइट कलर के मैप्स लगा देने। इस तरीके से बन गया एकदम अलग से दुनिया का कमरा। बाहर से देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन अंदर जाते एकदम शानदार। अब आप यहाँ पे चाहे बेड लगाओ, अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगाओ, वो आपकी मर्जी है, लगेगा ये बहुत ज्यादा मस्त। ये प्यारी सी पिंक शीप, या फिर ये चमकता हुआ बल्ब जिससे लाइट निकलती है, या फिर ये क्यूट सा एक्सलोटल, ये सारी चीजें माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा रेयर होती है, मतलब इनको ढूंढना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। लेकिन यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो आप सामने वुडलैंड मेंशन देख रहे हो, इसमें एक ऐसा रूम है जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये रूम एकदम बाहर से ऑब्सीडियन से बना होता है, और जैसे इसको माइन करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे लावा देखने के लिए मिल जाएगी। वेल डोंट वरी, लावा से बचते हुए अगर आप इस रूम में एकदम बीचों बीच देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरा एक डायमंड ब्लॉक मिल जाएगा, और इस रूम को आज तक सिर्फ 0.5% लोग ही ढूंढ पाए हैं। तो आपने ये वाले विलेजेस तो सारे देखे होंगे, और इनमें रहने वाले विलेजर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये स्वाम्प वाला विलेजर आपने कभी नहीं देखा होगा। कहाँ से देखोगे, ये माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन एक ऐसा सीड है जिसके अंदर एक ऐसा विलेज है, और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो पहले तो आपको यहाँ पे सारे नॉर्मल विलेजर्स दिखेंगे, लेकिन जरा इस विलेज को ध्यान से देखो, इस बायोम के अंदर है, और इसका मतलब ये है दो विलेजर्स अगर इस जगह पे ब्रीड करेंगे तो माइनक्राफ्ट का आज तक सबसे ज्यादा रेयर विलेजर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये इतना ज्यादा रेयर है कि पूरे वर्ल्ड में आपको और कहीं नहीं दिखेगा। यस, TNT से धमाका करने में तो भाई बड़े ही मजे आते हैं ना। लेकिन जैसे हम TNT को पानी के अंदर लेके जाते हैं, मान लो हमें कुछ काम हो या फिर कुछ बड़ा सा गड्ढा करने हो, तो ये TNT एकदम फुसी हो जाते हैं। अब आप पिकैक्स लेके खुदाई की तो करोगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम किसके पास ही होगा, इसलिए सिंपल आसपास से कहीं से सैंड ढूंढ लाओ और आप TNT को जला दो। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, आपको एकदम प्रो की तरह खेलना है, आपको इसमें सैंड डालनी और पीछे भाग जाना है। मतलब यार पानी के अंदर TNT फोड़ने के लिए सैंड यूज करा करो, मैं यही कहना चाह रहा था। और हाँ, जमीन पर हम TNT फोड़ दे तो यार बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है और फालतू का नुकसान हो जाता है, और ऐसे खड्डे भरने के लिए अगेन किसके पास ही टाइम है यार। लेकिन ये है हमारा दोस्त एनविल, लेकिन नया एनविल यूज मत करना, क्यों फालतू में खर्चा करना है, पुराना वाला यूज करो। TNT फोड़ते टाइम यहाँ पे ऊपर डाल दो, एकदम प्रॉपर धमाका होगा और आसपास कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लिख के ले लो। माइनक्राफ्ट में चाहे आपको मस्त वाली MLG करनी हो, या फिर आपको क्रॉप उगानी हो, ये वाटर बकेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को नेदर के अंदर घूमने में बड़ा ही मजा आता है, लेकिन यहाँ ये बकेट किसी काम की नहीं है। लेकिन आप बकेट की जगह यहाँ पे बोट यूज कर सकते हो। जी हाँ, बोट में बैठ कर नेदर घूम सकते हो आप पूरा। अगर कहीं से जंप लगानी तो भाई बोट के अंदर बैठ कर जंप लगा लो, कोई डैमेज नहीं मिलेगा। या फिर आपके ऊपर कोई मॉब अटैक कर रहा हो, उसके सामने बोट रख दो और फिर पेलो उसको मस्त। इवन इस बोट से आप ड्रीम के जैसे क्लच भी कर सकते हो अगर आपको आते हो तो। चलो कोई नहीं यार, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, बाय।